नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ SDO ने किसान को मारा थप्पड़, मायूस किसान ने फांसी लगाकर दे दी जान, ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। किसान ने बिजली विभाग का 1500 रुपये बकाया बिल जमा नहीं किया तो उसके घर का कनेक्शन काट दिया गया। बिजली विभाग के अधिकारी किसान के घर पहुंचे और बकाया बिल जमा करने के लिए किसान को टॉर्चर करते हुए किसान के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और जेल भेजने की धमकी दे दी। थप्पड़ लगने से मायूस किसान ने बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने ही अपने घर के कमरे में फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। थाना बरला के गांव सुनहरा में बिजली विभाग के बकाया बिल को जमा कराने को लेकर के विभाग के एक अधिकारी ने गुस्से में किसान को थप्पड़ मारते हुए जेल भिजवाने की धमकी दे दी। इससे आहत होकर किसान ने खुद को घर के एक कमरे में बंद होकर के फांसी का फंदा लगाकर खुशी कर ली। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली घर पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों की मांग थी कि SDO और जे के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की जाए, 25 लाख रुपए मुआवजा मिले। सूचना पर पुलिस सहित SDM पतरौली भी मौके पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के बराला थाना इलाके के गांव सुनहरा के 50 वर्षीय रामजीलाल छोटे किसान में शुमार थे। मृतक किसान रामजीलाल के ऊपर बिजली के घरेलू कनेक्शन का करीब 1500 रुपए बिल बकाया था, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 1.5 लाख रुपए का बकाया बिल लेकर SDO और JE के साथ 3 शुक्रवार को घर पर पहुंच गए और किसान रामजीलाल के घर का कनेक्शन भी काट दिया, जिस पर मृतक रामजीलाल ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से कहा कि हम पर केवल 1500 रुपए बिजली के बिल का बकाया था। आरोप है कि इसी बात पर SDO ने मृतक किसान के गाल पर थप्पड़ मार दिया और जेल भेजने की धमकी दे दी, जिसके बाद इसी बात के डर से किसान ने घर के एक कमरे में बंद होकर के फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान की मौत से गुस्साए मृतक के परिजनों सहित ग्रामीण मृतक के शव को लेकर बिजली घर पर पहुंच गए, जहां गुस्साए लोगों की मांग थी कि बिजली विभाग के अधिकारी SDO और JE के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की जाए और मृतक किसान के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिलाया जाए। सूचना मिलने पर SDM अतरौली पंकज कुमार भी मौके पर पहुँच गए। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम है रामचरण सिंह, सुनहरा बरला। क्या मामला है रामचरण? ये साहब, कल बिजली विभाग की टीम गई थी गांव में, इन गांव में वाले हमारे चाचा को धमकाया हड़काया और ये तार काटे, वीडियो बना रहे थे। चाचा ने हाथ जोड़े और इन्हें उनके साथ मारपीट करके भगा दिए। उस आदमी ने डर के मारे फांसी लगा लिए, कह रहे कि जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। छोटे दिल के आदमी थे साहब, बहुत गरीब आदमी है, उनका झोंपड़ी में रहना वैसा है, देख रहे हैं आप जाके। क्या नाम था जो खत्म हुआ? उनका नाम है जी रामजीलाल। उम्र करीब उनकी 60 वर्ष 58 60 के लगभग है। क्यों लगाई फांसी? वो बता रहे थे बिजली वाले के तुम पे बिल है, और बिल ज्यादा, बिल तो ज्यादा नहीं है, 2-3 हजार रुपये बिल है, लेकिन वो बता रहे थे कि 20 हजार 50 हजार ऐसे धमका रहे थे। और वो वैसे आदमी तो उनने साहब फांसी लगाई, उनको एक सामने फांसी लगाई है और हमने उनको देखा रहा तो वो भाग गए बिजली वाले वहाँ से। अब आप लोग कहाँ पे आए और क्या कर रहे हैं? हम साहब यहाँ बल्ला फीटर पे आए हैं, या धंधा दे रहे हैं, या रोक बांध कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, या हमको न्याय चाहिए यहाँ पर। बॉडी भी आप ले आए बॉडी? हाँ साहब। कब तक आप लोग रहेंगे यहाँ पर? जब तक हम रहेंगे, 1 दिन लग जाए 10 दिन लग जाए 1000 दिन लगो, हम अपनी यहाँ आत्महत्या कर लेंगे, हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो क्या न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हमको इनका मुआवजा चाहिए और इनके बिजली विभाग के साथ वो नाम जो है FIR चाहिए हमें, मुकदमा दर्ज होगा। देखा साहब, ये परिवार है, देखो ये कैसे बच्चे पलेंगे, ये मर जाएगा ये है। हाँ, तो ये परिवार है साहब उनका, मैं उनका खास भतीजा हूँ, रामचरण सिंह भतीजा हूँ साहब मैं। जी किशन भाई, कहते हैं ये क्या मामला हुआ, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये हुआ है कि मेरा गांव सुनहरा है, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, और हमारे यहाँ ये रामजीलाल जो थे नाई समाज से, इन पे कोई बिल वगैरह होगा कुछ थोड़ा बहुत, इनके यहाँ विद्युत लाइट का हाउस घरेलू बिल है, घरेलू। और ये विद्युत विभाग की टीम पहुँची थी और इनको इतना टॉर्चर किया, ये न्यायत गरीब आदमी है और इन्होंने इतना आमादा कर दिया कि जो है इसको आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा सामने, और उनके सामने आत्महत्या हुई। ये अधिकार विद्युत विभाग को किसने दिया है आत्महत्या करने का? किस चीज़ से आत्महत्या की? फांसी लगा करके आत्महत्या की। क्या माननीय ऊर्जा मंत्री ने कह दिया कि किसी को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया जाए विद्युत विभाग की टीम को? उस पर बिल था तो कनेक्शन काट दे। अगर कितना बिल जो भी होगा, 1500 2000 3000 जो भी होगा, अगर अधिकार विद्युत विभाग की टीम को ये दिया गया कि हमारा कनेक्शन काटा जाए, अगर हमारी कोई कानूनी कार्रवाई खिलाफ की जाए, इसका मतलब माननीय ऊर्जा मंत्री या सरकार ने ये आदेश नहीं दे दिया है कि जो है किसी को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया जाए। तो इसकी आपने कोई प्रार्थना पत्र थाने में? प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ दिया गया है, कोतवाल साहब को दिया गया है। हाँ, उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है
और यहाँ पीएम हाउस के लिए पीएम पे पोस्टमार्टम के लिए रात बॉडी को भेज दिया गया है और पीएम हाउस हो गया है, पीएम हो गया, पीएम हाउस पे है और यहाँ से बॉडी को ले जा करके हमारे कार्रवाई होगी कि विद्युत विभाग के बिजली घर के सामने को रख करके बॉडी को और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। थाना कौन सा? बड़ला थाना पड़ता है। यादव कहाँ से आए, क्या मामला है? सुनहरा, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, गाँव मेरा सुनहरा है। हमारे गाँव में कल बिजली की टीम गई थी और टीम ने उसको, रामजीलाल था उसका नाम जिसने आत्महत्या की है, उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि वो मरने के लिए तैयार हो गया और इस टीम के सामने ही उसने फांसी लगाई है। और लोगों का कहना है कि सब वहीं पे थे, किसी रस्सी से फंदा लगाया, रस्सी से लगाया है, कपड़े की रस्सी से, कपड़े से, और इसी के सामने, टीम के सामने ही। बिजली विभाग ने क्या पैसे वैसे मांगे, किस तरह से टॉर्चर? नहीं, बिल जमा करने की, बिल होगा क्या है, 1500 घरेलू कनेक्शन था और घरेलू कनेक्शन के लिए क्या है, 1500 2000 3000, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अरे जब ओवर कनेक्शन कोई बिल होता है तो कनेक्शन काट दिया जाता है भाई। क्या ऊर्जा मंत्री या किसी सरकार ने ये कह दिया है? कैसी धमकी दी थी उनको? उनको धमकी ये दी थी कि मैं FIR करूंगा तुम्हारे खिलाफ, तरीके भी धमकी, और नहीं तो पैसे दो, मजबूर हो गया या क्या? किस तरीके से टॉर्चर किया गया उसको? उसको टॉर्चर किया गया है। थाना बल्ला थाने में इसका शिकायत करी है? हाँ, शिकायत करी है। थाने के शिकायत के आधार पर ही हमारी ये PM में वो हो रहा है, पोस्टमार्टम और हो भी चुका है शायद। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी कोई आश्वासन, अभी हम आश्वासन क्या, हम गए ही नहीं है, इतला कर दिया वहाँ पे, अब जाएंगे और बॉडी को लेके वहीं पे जा रहे हैं उस पर बिजली घर पे, और वहीं पर रख के 302 का मुकदमा होना चाहिए विद्युत विभाग के खिलाफ, 302 का मुकदमा। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या खाएंगे, और उसकी पत्नी भी बड़ी महागरीब लोग हैं, वो क्या खाएंगे, कहाँ से गुजर करेंगे, कैसे करेंगे बेचारे।